मुंबई ने पांचवी बार जीता मैच, फाइनल में पहुंची, टारगेट चेस किया दिल्ली को, 5 विकेट से शिकस्त दी। आईपीएल के 13वें सीजन के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। टीम ने आईपीएल में लगातार दूसरा ओवर 5वां खिताब जीता है। मुंबई ने 6वीं बार फाइनल खेला है, 2 में से पहली बार टारगेट को चेस किया। 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टारगेट चेस नहीं कर पाई थी। दुबई के मैदान पर दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 157 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में मुंबई ने 18.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 157 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। रोहित डी कॉक ने तेज शुरुआत की, दोनों ने 45 रन की ओपनर पार्टनरशिप की। दूसरी बार फाइनल में दोनों की टीमों के कप्तान ने लगाई 50। दिल्ली के लिए अय्यर और पंत ने 50 कंप्लीट की। बतौर कप्तान फाइनल में दूसरा बेस्ट स्कोर अय्यर के नाम रहा। दिल्ली ने 22 रन पर 3 विकेट गंवाए। जयंत ने धवन को बोल्ड किया, 22 रन ही दिल्ली बना सकी। जयंत ने सीजन का सबसे इन फॉर्म प्लेयर शिखर धवन को बोल्ड किया। बोल्ट पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले दूसरे प्लेयर बने रोहित शर्मा। मुंबई की प्लेइंग 11 में हुआ एक बदलाव, रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। स्पिनर राहुल चार की जगह जयंत यादव को टीम में मौका दिया गया। पिछले साल के मुकाबले विनर और रनर अप को आधी प्राइज मनी मिलेगी, ये सख्त कदम इस बार उठाए गए हैं। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।